हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, कल जैसे ही आपके हॉस्टल की लिस्ट आई, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। सभी क्वेश्चन को रिप्लाई करना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने कल अपडेट किया था आपको कि आप हमें क्वेश्चन भेजें। मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो मैं वो वीडियो आज लेके आया हूँ। सॉरी, मैंने कल रात के लिए बोला था, बट मैं थोड़ा बिजी हो गया था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं कल रात में वीडियो नहीं ले पाया। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का थर्ड एपिसोड आ रहा है या थर्ड वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम सेकंड फेज के रिजल्ट भी देखने वाले हैं। आप सभी के क्वेश्चन हम भी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जिन्होंने भी हमें @ या फिर # लगा के क्वेश्चन भेजा होगा, उन सभी के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। सेकंड फेज का रिजल्ट देखेंगे, चेंजेस इन हॉस्टल लिस्ट देखेंगे, कि हॉस्टल की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बताएंगे, जिसे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ वो उसे क्या करना है, ये सब बातें करेंगे, और LU की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी तो वो सब देखेंगे। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और फॉर्म फिलिंग के बारे में भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का थर्ड एपिसोड है, इसमें चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके भी क्वेश्चन को वीडियो में लेकर बताऊँ, तो उसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज करना होगा। कैसे मैसेज करना होगा? #BHM लगा के # या फिर @BHM लगा के हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे करके आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उन सभी क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा आता है उसमें मैं सभी क्वेश्चन को लूँगा, उनका स्क्रीनशॉट लेके पूरा वीडियो लेके बताऊँगा, ठीक है। तो जो आज हमारे कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं हॉस्टल लिस्ट आने के बाद, फ्रेंड बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा, क्योंकि हमारा पिछला क्वेश्चन आंसर सेशन अभी परसों ही आया था, तो आप सोच रहे होंगे रोज ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लाता है। फ्रेंड्स, कमेंट इतने आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन इतने आ रहे हैं कि मैं एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियो और ला दिया जाए, जिसमें आपकी सभी कॉमन क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे जो कॉमन क्वेश्चन हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन का तीसरा एपिसोड है, इसमें जो हमारे कॉमन क्वेश्चन है वो मैं लेने वाला हूं। तो पहले हम फेसबुक के क्वेश्चन लेने वाले हैं। फेसबुक की ID क्या है हमारा? BHM3131। अगर आपको भी अपने क्वेश्चन भेजने हैं तो आप हमें फेसबुक के क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हमारे कॉमन क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आयुष भारती जी कह रहे हैं कि इनको 0 फीस का फायदा नहीं हुआ, इनकी फैमिली इनकम 5 लाख है। अगर फ्रेंड आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती तो आपको 0 फी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। 0 फी का फायदा उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इकोनॉमिकली वीकर हो। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख है तो मुझे नहीं लगता आप इकोनॉमिकली वीकर होंगे, तो उन्हीं की तो 0 फीस उन्हीं के लिए लाई है यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट, जिनको जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, यानी जिनकी फैमिली इनकम क्या है 2.5 लाख से कम है या 2 लाख से कम है, उन्हीं के लिए 0 फीस अप्लीकेबल होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है मुस्कान सिंह ने, आशीष सिंह ने, प्रांजल अपूर्वा ने, इनका सबका कॉमन क्वेश्चन है कि सर सेकंड फेज का रिजल्ट नहीं आया। तो फ्रेंड, सेकंड फेज का रिजल्ट अभी नहीं आया है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल मत होइए, जैसे रिजल्ट आएगा आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास अपडेट आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय वर्मा जी। अजय वर्मा कह रहे हैं इज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी बेटर फॉर IAS एस्पिरेंट? फ्रेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, उसके बाद डिपेंड करता है आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं से भी आप कर रहे हो सभी यूनिवर्सिटी बेटर हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ IAS एस्पिरेंट के लिए जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ AU इज़ बेटर। AU बेटर क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद में जो कोचिंग हब है वो यूनिवर्सिटी के पास में ही है, ठीक है, और वहाँ की जो कोचिंग्स है वो बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि लखनऊ में अच्छी कोचिंग्स नहीं है, बट इलाहाबाद की जो कोचिंग्स है वो बहुत अच्छी कोचिंग्स है। तो अगर आप IAS एस्पिरेंट्स हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आप कंपेरिजन करेंगे जो IAS एस्पिरेंट्स हैं तो वो AU के लिए जाएँ या LU के लिए जाएँ, तो मैं AU प्रीफर करूँगा कि आप अगर IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप AU जाएँ, क्योंकि वहाँ का जो स्टडी कल्चर है वो बहुत अच्छा है। मतलब क्या है, आप पूरा स्टडी हब है वहाँ पर, कोचिंग मंडी टाइप की है, मंडी टाइप की मतलब कि आप कोचिंग से निकलेंगे वहाँ पे भी पढ़ाई की बात है, ठीक है। उसके बाद ढाबे पे जाएंगे वहाँ पे भी सब आपको स्टूडेंट से मिलेंगे, वहाँ पे भी पढ़ाई की बात है। चाय पीने जाएंगे, चाय वाली दुकान पे भी आपको स्टूडेंट से मिलेंगे, वहाँ पे भी यही सब बात है। उसके बाद अमित कुमार जी पूछ रहे हैं कि TC में काउंटर साइन कंपलसरी? तो जी हाँ फ्रेंड, TC में आपका काउंटर साइन कंपलसरी है। आदर्श वैश जी, श्रेयम पांडे, विकास कुमार गोस्वामी, श्रीकांत जी का सेम क्वेश्चन है कि सर बीटेक और BCA वालों के लिए अभी हॉस्टल लिस्ट क्यों नहीं आई? तो फ्रेंड, बीटेक और BCA वालों के लिए भी हॉस्टल लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, वो क्योंकि आपका न्यू कैंपस में होता है, न्यू कैंपस के भी हॉस्टल लिस्ट नहीं आई, उसकी लिस्ट जैसे आएगी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जैसे आप इसकी लिस्ट आती मैं बता दूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुनेहा श्रीवास्तव, आकृति सिंह और सुभी श्रीवास्तव जी ने भेजा है कि वॉन्ट्स टू नो ये कैलाश हॉस्टल के बारे में जानना चाहती है। तो फ्रेंड मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसमें मैं सीट्स तब 12 नंबर ऑफ सीट भी बता रहा था, उसमें भी बता चुका हूँ कि आपका जो कैलाश हॉस्टल है वो सबसे बेस्ट हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, क्योंकि सबसे एक तो मौज भी यहाँ पे बहुत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सीट्स भी यहीं पर, तो वो सबसे बेस्ट हॉस्टल है आपका कैलाश गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें फेसबुक पे भेजा घनश्याम वर्मा जी ने, ये पूछे कि हॉस्टल में रिपोर्ट करते समय फादर गार्जियन को ले जाना जरूरी है। जी नहीं फ्रेंड, आपको फादर गार्जियन को ले जाना कोई जरूरी नहीं, आप अकेले भी चले जाएंगे तब भी हो जाएगा, बस आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर साथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अविरल कुमार, मानसी सिंह, सौरभ मिश्रा पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ हॉस्टल रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड हॉस्टल रिपोर्टिंग के टाइम आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर ही सिर्फ जरूरत रहेगा, और हो सकता है आपका निवास प्रमाण पत्र ले लिया जाए या कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी मांग लिया जाए, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं, ज़्यादा जरूरी क्या है, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर और अपनी फीस लेके जाएगा। फीस कितनी है वो सब मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस हॉस्टल की कितनी फीस है, ठीक है, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो डॉक्यूमेंट में क्या है, आप कॉलेज का आपका जो हॉस्टल का अलॉटमेंट लेटर है आप सब वही लेके जाइए, उतना काफ़ी है। उसके बाद मानसी सिंह जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक पे इन्होंने भेजा है कि मेरा टीसी नहीं है बट माइग्रेशन है, काम चल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल चल जाएगा, टीसी और माइग्रेशन एक ही चीज़ होती है, कहीं कहीं टीसी बोला जाता है, कहीं कहीं माइग्रेशन बोला जाता है, वो एक ही चीज़ होती है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिवांगी पांडे जी कह रही अगर सीट कन्फर्म नहीं हुई तो पैसे कब तक आएंगे। तो फ्रेंड मैं बता चुका हूँ कई सारे वीडियोज़ में कि 20 दिन के अंदर आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके पैसे पूरे वापस आ जाएंगे अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई है। उसके बाद आयुष वैद जी का सवाल है कि हमने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया था, आप खुल नहीं रहे तो क्या करें। तो फ्रेंड अभी हमारा जो थर्ड काउंसलिंग का या सेकंड फेज का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद अभी फिर से लिंक ओपन होगा, तब जाके आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो आप जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताएं, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ सलूशन मिल जाए। इसका सलूशन मेरे पास नहीं है, बस यही कह सकता हूँ मैं कि आप भी आपका जो है थर्ड या अभी आपका सेकंड फेज का रिजल्ट आएगा उसके बाद देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक ओपन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टाग्राम के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे कॉमन क्वेश्चन है। तो इंस्टाग्राम पे हमें साक्षी जी ने भेजा, साक्षी जी भी कह रही हैं कि एलयू के एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि एलयू के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उन सभी के फॉर्म की लिस्ट जा चुकी है, सभी के फॉर्म की डेट निकल चुकी है, उसमें तो अब एडमिशन भी चालू हो गए हैं। बाकी जो रहे बात जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा बताया। अब उन कॉलेजेस में जाइए, पता करिए वहाँ का क्या एडमिशन प्रोसेस है। ज़्यादातर सभी कॉलेज में मेरिट बेसिस पे होता है, मेरिट बेसिस पे क्या मतलब है कि आप वहाँ जाके फॉर्म ले आइए, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं, चंदन कुमार जी कह रहे हैं कि काउंसलिंग के टाइम हॉस्टल पे यस नहीं किया था तो क्या आप कोई चांस है। नहीं फ्रेंड, आप कोई चांस नहीं, जिन्होंने यस किया था उनको तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि हमने यस नहीं किया, तो फ्रेंड आप कोई चांस नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फराज अहमद कह रहे हैं कि एलयू में क्लासेस रेगुलर चलती हैं। जी हाँ फ्रेंड, क्लासेस रेगुलर चलती हैं मगर अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो। अब जब स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो क्लासेस रेगुलर कैसे चलेंगी, तो अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो क्लासेस चलते हैं, स्टूडेंट नहीं आते तो क्लासेस नहीं चलती हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप अगर जाएंगे तो आपकी क्लास चलेगी, नहीं जाएंगे तो क्लास नहीं चलेगी। दिव्या सिंह का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे कि हॉस्टल लिस्ट में कोई चेंजेस आ सकते हैं क्या। तो फ्रेंड बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं हॉस्टल लिस्ट में, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हॉस्टल लिस्ट में कभी चेंजेस होते नहीं है। हो सकता है एक दो चेंजेस हो जाएं, कोई लिस्ट छोड़ दे, कोई अपना सीट छोड़ दे, कोई बाहर रहना चाहे, कोई ना सर्वाइव कर पाए, तो उस तरह से आपके चेंजेस हो सकते हैं, वरना कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद रंजना सिंह जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रंजना सिंह पूछ रही कि हॉस्टल में रिपोर्ट कब करना, रिलेटिव को भेज सकते हैं हॉस्टल की फी पेमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड हॉस्टल के अलॉटमेंट लिस्ट में आपका जो भी मैंने कल वीडियो बताया था, जो लिस्ट आई थी उसमें आप देख लिए, लिस्ट में दिया हुआ है कि आपको कब से कब रिपोर्ट करना, कब फीस कब मिस करनी, कब आपको रूम कंफर्म करना, तो उस हिसाब से आप देख लिए। और जी बिल्कुल आप अपने रिलेटिव को भेज सकते हैं, बट उनके पास आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। बट मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप खुद जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको हॉस्टल का रूम वूम भी देखना रहेगा। उसके बाद पीयूष सिंह पूछ रहे हैं कि आप हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बता दिए। तो फ्रेंड मैं हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी एलयू एडमिशन 2019 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सभी जानकारी मिलेंगी, वहाँ पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप थंबनेल से जाके आप देख सकते हैं और टाइटल से भी आप पता कर सकते हैं आपको जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए रहेगी, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे कुछ और कॉमन क्वेश्चन थे उनको भी हम ले लेते हैं कि मंजीत सिंह पूछ रहे हैं हॉस्टल एप्लीकेशन फीस और हॉस्टल अलॉटमेंट फीस अलग अलग है क्या। जी हाँ फ्रेंड, हॉस्टल एप्लीकेशन फीस अलग है और हॉस्टल अलॉटमेंट फीस अलग है। एप्लीकेशन फीस का क्या मतलब होता है कि आपने हॉस्टल का फॉर्म भरा है दाखिला लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, और हॉस्टल अलॉटमेंट फीस क्या होती है, हॉस्टल अलॉटमेंट फीस होती है आपकी कि अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया, हॉस्टल आपका कंफर्म हो गया तो आपको एक कंफर्मेशन फीस देनी होगी। जो हॉस्टल में रहने के चार्जेस होते हैं वो होती है आपके हॉस्टल अलॉटमेंट फीस, ठीक है। उसके बाद प्रिंस राय पूछ रहे हैं, निखिल कुमार पूछ रहे हैं, राकेश जी पूछ रहे हैं कि हॉस्टल की वेटिंग लिस्ट में नाम है तो क्या तो कब तक क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि आपका कब तक क्लियर हो जाएगा, बट हो सकता है क्लियर हो जाए, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं हॉस्टल लिस्ट में, क्योंकि जिन्हें हॉस्टल मिल गया वो कोई छोड़ता नहीं है कॉलेज का हॉस्टल या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल। तो अगर आपकी एक दो वेटिंग लिस्ट है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कोई हॉस्टल छोड़ दे। अगर छोड़ देता है तो वेल एंड गुड, नहीं छोड़ता है तो आपको बाहर के हॉस्टल देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाहर के हॉस्टल कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद सोनू S7 और अंशित यादव जी का क्वेश्चन है कि बाद के रैंक वालों को हॉस्टल मिल गया, मुझे नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं क्या। आप चले जाइए यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लेन कर दिए, बट मुझे लगता है उनको इसलिए हॉस्टल मिल गया क्योंकि उनकी इनकम देखी गई होगी, इनकम में वो कम होंगे आपकी फैमिली इनकम से, इसलिए उनको हॉस्टल मिल गया होगा। और EBS वालों को भी हॉस्टल मिला है, ठीक है, या EWS वालों को भी हॉस्टल मिला है, ठीक है। तो इस वजह से आपके बाद वाली रैंक के स्टूडेंट को हॉस्टल मिल गया, तो आप पैनिक ना हो, आप बाहर के हॉस्टल भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सुफियान अहमद कह रहे हैं, अजय वर्मा कह रहे हैं, रवि भारती कह रहे हैं, आयुषी सिंह भी यही कह रही हैं कि जिसे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करे। तो फ्रेंड आप बाहर के हॉस्टल जाइए, वहाँ बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे PGs हैं, हॉस्टल हैं, रूम मिल जाएंगे आपको पास में, तो वहाँ के हॉस्टल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद सुधांशु सिंह और मोहम्मद सकलेन जी का क्वेश्चन है कि हॉस्टल की सेकंड लिस्ट आएगी, तो फ्रेंड मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल की सेकंड लिस्ट आएगी, बट हाँ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीट छोड़ देता है तो हो सकता है आपकी सेकंड लिस्ट आए। सेकंड लिस्ट का मतलब जिनको जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका हो सकता है एडमिशन हो जाए हॉस्टल में, ठीक है। उसके बाद अजीत चौरसिया जी और आर्यन खान पूछ रहे हैं कि बाहर कहाँ रह सकते हैं। तो फ्रेंड बाहर कहाँ रह सकते हैं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में लखनऊ में बाहर कौन कौन सी अच्छी जगह हैं, कौन कौन से अच्छे हॉस्टल हैं या कौन कौन सी अच्छी PG जहाँ पर आप रह सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि बाहर आप कहाँ रह सकते हैं, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर आप कहाँ रह सकते हैं, तो उन सब बारे में मैं बताऊंगा, उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो थे हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चन, आई होप यहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फेसबुक पे आपको मैसेज करना कैसे करना है, #AskBHMPL लगा के या फिर @BHM लगा के, ऐसा करके आप जब क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं उन क्वेश्चन को इसी तरह जो है अपने वीडियोस में लेके बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कोई डाउट आ जाए तो आप भेजिए, हमें कमेंट करके पूछे, मैं यहाँ आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें। और प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की अपडेट्स लाता रहता हूँ, पल पल की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।